Hey guys, hi, welcome back to my channel. This is me Shiny. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नायका हॉल. मैंने नायका से कुछ शॉपिंग की है तो मैं उसी को आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. सारे ही प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा अफोर्डेबल है. ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर जस्ट अंडर ₹300. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल क्योंकि मैं हर रोज वीडियोज अपलोड करती हूँ. सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो. सबसे पहले समर्स आर हियर, सो आई रियली नीड टू परचेज समथिंग फॉर समर. तो समर्स के लिए मैंने ये जो निविया का बॉडी ड्यूडराइजर है इसे परचेज किया है. ये जो वेरिएंट है दिस इज फ्रेश पेटल एंड क्योर. मैंने निविया के सारे वेरिएंट्स को, ये जो ड्यूडराइजर है इसके सारे वेरिएंट्स को मैंने ऑलरेडी ट्राई किया है एंड आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड रिव्यूज विद यू ऑल. और मुझे ये वाला पर्सनली काफी अच्छा लगता है. इनफैक्ट रोज वन इज ऑल्सो वेरी गुड. बहुत ही ज्यादा फ्रेश एंड फ्लावरी सा फ्रेग्रेंस है. सो या दिस इज रियली अफोर्डेबल और ये होल डे ओडर को कंट्रोल करता है. समर्स के लिए परफेक्ट है. सो दिस इज द फर्स्ट बाय. नेक्स्ट मैंने एक फेस पैक परचेज किया है. दिस इज फ्रॉम वाओ स्किन साइंस और ये है वाओ स्किन साइंस गोल्ड क्ले फेस मास्क. एक्चुअली मैं काफी दिनों से इसे ट्राई करना चाहती थी एंड मुझे लगा कि ओके लेट मी ट्राई दिस समर. मैंने ऑलरेडी चॉकलेट वाला भी ट्राई किया है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला. लेकिन ये आप डेली बेसिस पर नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप वीकली वन टाइम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. बहुत ही अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड करता है, मेरी स्किन पर सूट भी कर गया. सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद द परचेज एंड दिस इज रियली गुड क्ले फेस मास्क. ओके नेक्स्ट मैंने कुछ शीट मास्क परचेज किया है. आई एम ऑब्सेस्ड विद शीट मास्क. इफ यू नो मी वेल यू नो हाउ मच आई लव शीट मास्क. तो मैंने इनिसफ्री का काफी सारे शीट मास्क परचेज किया है बिकॉज मुझे लगता है पर्सनली इनिसफ्री के शीट मास्क बेस्ट होते हैं. मैंने सारे शीट मास्क जैसे टॉनी मॉली, फिर इनिसफ्री, फेस शॉप, नायका, सारे शीट मास्क मैंने इस्तेमाल किए हैं. लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद आता है वो है इनिसफ्री का शीट मास्क क्योंकि उनका जो थिकनेस होता है दैट्स ऑल्सो प्रॉपर. और जो सीरम की जो थिकनेस है वो भी काफी अच्छा है. सीरम काफी ज्यादा स्किन पर ग्लो प्रोवाइड करता है. सो मुझे बेस्ट लगता है इनिसफ्री का शीट मास्क. लेकिन वो अगर आपको बाई वन गेट वन या बाई सेवन गेट सेवन ऑफर में चाहिए तो आपको वेट करना पड़ता है. कभी कभी ही सिर्फ ऑफर में मिलता है बट जनरली फेस शॉप या नायका के शीट मास्क आपको ऑफर में मिल ही जाते हैं. बट इनिसफ्री इज रियली हार्ड टू फाइंड ऑन ऑफर. तो मुझे ऑफर में नहीं मिला बट स्टिल आई परचेज दिस शीट मास्क क्योंकि मुझे काफी पसंद है. सो फर्स्ट मैंने ये हनी वाला ट्राई किया है. सो ये दो हनी वाला वेरियंट. एक्चुअली मैंने हनी पहली बार मैंने परचेज किया है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज दीज क्योंकि मुझे लगता है कि हनी वाला थोड़ा सा हाइड्रेटिंग होगा. तो माई स्किन इज क्वाइट ड्राई तो अभी सीजन चेंज की वजह से ना और भी ज्यादा ड्राई हो रही है. सो मैं इसको इस्तेमाल करूंगी और मेरा जो ऑनेस्ट ओपिनियन रहेगा वो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी. नेक्स्ट मैंने ये जो माई फेवरेट ये राइस वेरियंट. तो मैंने ये राइस वेरियंट ऑर्डर किया है इनिसफ्री का. काफी सारा यू कैन सी देयर आर 5 आई थिंक क्योंकि राइस वाला ना बेस्ट है. लेट मी गिव यू वन टिप. अगर आप इनिसफ्री शीट मास्क ट्राई करना चाहते हैं देन जस्ट गो फॉर दिस राइस वेरियंट क्योंकि ये बेस्ट है. मैंने सारे शीट मास्क इस्तेमाल किए हैं उनमें से बेस्ट है राइस वेरियंट एंड देन इज ब्लूबेरी वाला, वो भी काफी अच्छा है. नेक्स्ट मैंने फेस शॉप का भी एक राइस वेरियंट ट्राई किया है, मतलब परचेज किया है. एक्चुअली अभी तक ट्राई नहीं किया है. आई वाज जस्ट प्लानिंग टू मेक वन कंपैरिजन वीडियो कि फेस शॉप का राइस वेरियंट वर्सेस इनिसफ्री का राइस वेरियंट क्योंकि राइस वेरियंट सबसे अच्छा है मैंने सुना है और मैंने पर्सनली इनिसफ्री का इस्तेमाल भी किया है. सो आई वाज रियली होपिंग कि ये वाला भी अच्छा रहेगा. तो जो कंपैरिजन होगा वो मैं वीडियो बनाने की सोच रही हूँ. आई डोंट नो मैं कब तक बना पाऊंगी. नेक्स्ट मैंने इनिसफ्री का ये कुकुम्बर वाला ट्राई मतलब परचेज किया है एंड दिस वन पोमेग्रेनेट क्योंकि कुकुम्बर और पोमेग्रेनेट ना समर्स के लिए एकदम परफेक्ट होता है. थोड़ा सा कूल वाला सेंसेशन देगा. सो दैट्स व्हाई आई थॉट एंड मैंने इसे परचेज किया है. सो जो भी मेरा रिव्यू रहेगा वो मैं कभी व्लॉग में या फिर लाइव आकर शेयर करूंगी. ऑल्सो मेरे अभी एग्जाम्स चल रहे हैं सो आई डोंट नो मैं कितना हद तक हर रोज वीडियोस अपलोड कर पाऊंगी बट आई एम रियली ट्राइंग हार्ड कि मैं हर रोज वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊं. सो नेक्स्ट मैंने ये नायका के शीट मास्क परचेज किए हैं. और भी एक शीट मास्क मैंने परचेज किया था बट दैट आई हैव ऑलरेडी यूज. अच्छा लगा बट इनिसफ्री से कंपेरिजन करके मुझे उतना अच्छा नहीं लगा. इनिसफ्री इज बेटर, फार बेटर देन नायका शीट मास्क. तो ये है नायका स्किन सीक्रेट कोलेजन प्लस ग्रेप फ्रूट. तो ये कोलेजन प्लस ग्रेप फ्रूट का है.
अच्छा है, नॉट एट ऑल बैड, बहुत ही अच्छा है, बट इनिसफ्री इज द बेस्ट मेरे ख्याल से. सो जो भी परचेजिंग लिंक से वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है, आप चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं. दिस इज नॉट एट ऑल अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मैंने अपने खुद के पैसे से इन प्रोडक्ट्स को परचेज किया है. ऑल्सो जो भी प्राइसेस है वो मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूंगी. सो नेक्स्ट मैंने ना ये वाला शीट मास्क ट्राई परचेज किया है, ये है मॉन्सब 3-in-1 शीट मास्क. तो बेसिकली ना ये आपके फेस को भी कवर करता है, आपके ईयर को कवर करता है और आपके नेक को भी कवर करता है. सो आई वाज रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस काइंड ऑफ शीट मास्क, क्योंकि ये आपके ईयर नेक सबको कवर कर रहा है. सो आई थॉट कि ये बहुत ही अच्छा होगा. मैंने दो ऑर्डर किए थे, ये वाला रह गया है, एक मैंने ऑलरेडी ट्राई किया है, उतना अच्छा मुझे रिजल्ट नहीं मिला, पता नहीं क्यों, बट आई जस्ट लव इनिसफ्री वाला. हाँ डेफिनेटली दिस इज गुड, इनफैक्ट नायका से भी बेटर मैं कहूंगी ये वाला, क्योंकि इसका जो सीरम की थिकनेस है ना वो काफी ज्यादा है. बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरी ड्राई स्किन के लिए तो परफेक्ट है, और ये इतना हद तक कवर कर रहा है, यहाँ पर भी कवरेज दे रहा है. सो या दिस इज गुड, यू कैन ट्राई डेफिनेटली, लेकिन प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगी कि नायका और इनिसफ्री इज बेटर, क्योंकि इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है. कुछ और शीट मास्क भी ट्राई किया है, सो दिस फ्रॉम टॉनी मॉली, ये है प्लासेंटा मास्क शीट. इसके मैंने और भी सारे ऑर्डर किए थे जो मैंने इस्तेमाल किया है. टॉनी मॉली के शीट मास्क अच्छे होते हैं, डेफिनेटली अच्छे होते हैं, अफोर्डेबल भी आपको मिल जाएगी, हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस में होते हैं. सो आई थिंक इफ यू फाइंड दीज ऑन डिस्काउंट जस्ट गो फॉर दिस, क्योंकि टॉनी मॉली के शीट मास्क काफी अच्छे होते हैं. नेक्स्ट मैंने एक बॉडी लोशन ट्राई किया है, दिस इज फ्रॉम वाउ स्किन साइंस, ये है कोकोनट मिल्क एंड आर्गन ऑयल बॉडी लोशन. सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस, ये ना बहुत ही ज्यादा कोकोनट सा और चॉकलेटी सा फ्रेग्रेंस है, जो मुझे पसंद नहीं है पर्सनली. आई डोंट लाइक कोकोनट एट ऑल, कोको एट ऑल, आई डोंट लाइक कोको या कोकोनट, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा इसका फ्रेग्रेंस. बट काफी अच्छे से ये मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को. सो इफ यू लव चॉकलेट एंड जो कोकोनट का फ्रेग्रेंस है वो अगर आपको पसंद है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, बिकॉज ये काफी अच्छे से नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. और मेरा आधा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, जस्ट इतना साइज लेफ्ट आई थिंक. तो या दिस इज अ गुड वन, बट अगर फ्रेग्रेंस इशू नहीं है देन यू कैन डेफिनेटली परचेज दिस वन. समर्स आर ऑलमोस्ट हियर, मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ वीडियो में बताया था कि मैं कुछ प्लान कर रही हूँ सनस्क्रीन्स फॉर टीनेजर्स, तो उसके लिए मैं नए नए सनस्क्रीन्स ट्राई कर रही हूँ. जैसे वाव का भी एक सनस्क्रीन मैंने ट्राई किया है, फिर मैंने एक और ब्रांड है डर्मा एसेंशियल, उसका भी मैंने सनस्क्रीन ट्राई किया है. सो अभी मैंने सोचा लोटस का ये सनस्क्रीन काफी ज्यादा फेमस है, नायका पे मुझे काफी ज्यादा इसकी रेटिंग अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि मैं इसका भी सनस्क्रीन ट्राई करती हूँ. और पर्सनली मैंने इसे कुछ साल पहले ट्राई भी किया था, सो आई रियली लाइक्ड दिस वन, बट इसमें पैराबेन है और ये थोड़ा सा टिंटेड है, तो मुझे लगा कि ठीक है फिर भी मैं इसे एक बार ट्राई करती हूँ. एंड दिस इज PA++UVA, दिस इज SPF 40 वाला. सो या मैं इसे ट्राई करूंगी और मैं आप लोगों के साथ इसका जो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन रहेगा वो मैं शेयर करूंगी एक सनस्क्रीन के वीडियो में अलग से. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. और इन प्रोडक्ट्स को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, और काफी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर मैंने अलग से वीडियोज भी बनाए हैं, तो उन वीडियोज को चेक करने के लिए आई बटन पर क्लिक कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी आप चेक कर सकते हैं. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय.